दोस्तों आपने रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल बैटरी के बारे में सुना होगा, बात करते हैं ये होती क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं इंसान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने रिमूवेबल बैटरी और नॉन रिमूवेबल बैटरी के बारे में सुना होगा, अब बात करें कि रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल में अंतर क्या है। जो रिमूवेबल है उसके अंदर आप बैटरी को निकाल सकते हैं और जो नॉन रिमूवेबल इसके अंदर आप बैटरी को नहीं निकाल सकते, मगर इसके फायदे क्या हैं। जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है उसमें आपको स्मार्टफोन की डिजाइन अच्छी मिल जाती है, साथ ही आपको पतला मिलेगा, उसमें कई सारे अलग फीचर्स मिलते हैं क्योंकि उसी स्पेसिफिकेशन में उतनी मोटाई में इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दिए जा सकते हैं, जैसे कि आपकी स्टोरेज ज़्यादा हो सकता है या फिर रैम इम्प्रूव की जा सकती है, साथ ही कैमरे इम्प्रूव किया जा सकते हैं। मगर बात करें इसमें इसे नुकसान क्या है, कई लोगों को मानना है कि जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है आप इसे खुद से बदल नहीं सकते, यानी कि अगर आपकी बैटरी खराब जाती है तो आप इसे खुद बदल नहीं सकते, इसके लिए आपको सर्विस सेंटर में जाना होगा। कई ये होते हैं इसके फैक्ट। अब बात करें कि इसके फायदे क्या हैं। मान लो अगर आपके पास नॉन रिमूवेबल बैटरी है तो आपको कई बार जो बैटरी लूज हो जाती है या फिर बैटरी में कोई अलग दिक्कत होती है उसी में नहीं होती, क्योंकि आपका स्मार्टफोन पतला होता है, साथ ही साथ आपको बार बार बैटरी निकालनी नहीं पड़ती, जिससे इसके जो बैटरी में ऊपर जो टर्मिनल्स दिए होते हैं वे खराब नहीं होते, साथ ही साथ जो बैक पैनल है वो खराब नहीं होता। ये इसके फायदे हैं। बाकी कंपनियों को जरूरत क्यों पड़ेगी इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी देनी पड़ती है, इसका कारण है क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन है उनमें अगर आपको किसी थर्ड पार्टी की बैटरी काम में लेते हैं, उस बैटरी को अपने स्मार्टफोन में लगाया, बैटरी किसी बाय चांस अगर खराब हो गई या फिर स्मार्टफोन में बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और स्मार्टफोन खराब हो गया, तो आप तो कंपनी पर ही नाम लगाओगे कंपनी ने इसमें ये खराबी की, इस कारण से बैटरी खराब हुई, इसलिए कंपनी ने इसमें बैटरी को नॉन रिमूवेबल बना दिया ताकि कोई आम इंसान इसे नहीं निकाल सकता। मगर बाकी अगर आप सोच रहे हो कि ये बैटरी अगर खराब हो जाए तो बदली कैसे करवाएं, तो इस बैटरी को आप किसी भी सर्विस सेंटर या फिर किसी भी शॉप पर ले जाकर आसानी से बदली करवा सकते हैं। और बात करें कि इसमें और ज़्यादा क्या फ़ायदे हैं, इसमें कंपनी ने अपने फायदे के लिए साथ ही साथ नॉन रिमूवेबल बैटरी दी है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए तो आपको इसे सर्विस सेंटर में ही ले जाना होगा, जिसके कारण कंपनियों को इसमें ज़्यादा फायदा होता है। और अगर बात करें कि इसमें और क्या फ़ायदा है, मान लो आपके स्मार्टफोन में आपने बार बार इस बैटरी निकाला जिससे आपके स्मार्टफोन के सर्किट्स खराब हो सकते हैं, इसके लिए कंपनी ने इसमें ये नॉन रिमूवेबल बैटरी दी है। इसके कई फैक्ट्स भी हैं, जिससे कई लोगों का मानना है कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होने पर अगर स्मार्टफोन हैंग हो जाता है तो क्या करें, इसके लिए सिंपल सा है, आप अगर स्मार्टफोन की जो पावर बटन है उसे लगभग 10 से 11 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, आपके स्मार्टफोन रीस्टार्ट हो जाएगा, जितनी भी हैंगिंग प्रॉब्लम सारी हट जाएगी, मगर ऐसा फिलहाल होता नहीं है। जो भी आपका समझा होगा नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल बैटरी में क्या अंतर है, आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।